हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की ओर से बड़ा धमाका। और साथियों, ये धमाका तो हुआ है, लेकिन एचएसएससी की ओर से जो ये नया नोटिस जारी किया गया, इसमें बड़ी दुखद खबर है। और साथियों, वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप मेरे और वीडियो को पूरा देखते हो या नहीं देखते, इससे कोई मतलब नहीं है। आज इस वीडियो को आपको पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को अगर आप स्किप करके चले जाओगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपसे दूर रह जाएगी। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपका मन करे कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो शेयर ज़रूर करना वीडियो को। एचएसएससी के ये धमाके देखते हुए काफ़ी दिन हो गए साथियों, बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं, क्योंकि जो 11/2019 एडवर्टाइजमेंट की भर्तियाँ हैं उनमें सभी भर्तियों में ऐसा हुआ है। पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि आज रिजल्ट डाला गया है जूनियर सिस्टम इंजीनियर का 11/2019 एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी नंबर 1 का। ये आपको शायद पता भी चल चुका होगा, अगर नहीं पता लगा है तो ये पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या एचएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट सेक्शन में ही ये पूरा रिजल्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है साथियों, वो ये है कि इसकी कट ऑफ आप देखें, क्या कट ऑफ रही है। जनरल की कट ऑफ 93 जा रही है, और ये बात सिर्फ इस भर्ती की नहीं है, 11/2019 एडवर्टाइजमेंट की सभी भर्तियों के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, और ऑनलाइन एग्जाम का क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। हो सकता है हमारे पास कोई प्रूफ ना हो एग्जाम लीक होने के, लेकिन साथियों कट ऑफ से बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता। कट ऑफ बता रही है कि एग्जाम के अंदर क्या हुआ था। और साथियों, मैं इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जो साथी ये बोलते हैं कि एचएसएससी फेयर भर्ती करवा रही है, तो उनको कम से कम ये तो पता लगे कि 90 का एग्ज़ाम हुआ था, 90 नंबर का, और उसमें 93 कट ऑफ जा रही है। जो साथी इन एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी करके और अगर 80 नंबर भी किसी ने ले लिए और उसको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर मिले, तो उसके 85 नंबर हुए थे, लेकिन वो कैंडिडेट भी रह गए हैं। यहाँ तक कि जो कैंडिडेट 85 नंबर लिए और उनके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर मिला के 90 नंबर हुए, वो भी इस भर्ती में रह गए हैं, यानी कि उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब जो तैयारी करने वाले साथी हैं वो तो समझ सकते हैं कि 90 में 90 नंबर लेना तैयारी से पॉसिबल नहीं है, ये तो अगर किसी के पास पेपर पहुंचे तभी पॉसिबल हो सकता है। हाँ, एक दो कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं, लेकिन साथियों ज़्यादातर कैंडिडेट जिनके 90 में 90 नंबर हों, ये पॉसिबल नहीं है। और हो सकता है साथियों हमारे प्रयास से कुछ हो ना हो, सरकार के ऊपर कोई असर पड़े या ना पड़े, लेकिन हम प्रयास ज़रूर करेंगे, और इस प्रयास में आपके साथ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका साथ मिला तो इसमें कुछ आगे भी डिसीजन लिया जाएगा, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन साथियों तक पहुँचाएँ जो ये बात बोलते हैं कि एचएसएससी एकदम फेयर भर्ती करवाता है या एचएसएससी में कोई खर्ची या पर्ची नहीं चलती। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए तो खुशखबरी है इस वीडियो में, लेकिन साथियों जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए ये बड़ी दुखद खबर है। और हम ये मानते हैं कि जो बंदा तैयारी करता है उसका ही सिलेक्शन होना चाहिए। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।